रात्रि के यात्री सीज़न टू वन पसंद आया इसलिए टू आया है इट्स ऑन पीपल्स डिमांड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम पार्ट ऑफ रात्रि के यात्री टू uh, सीज़न बहुत uh, नाम में इसलिए बिकॉज पहला सीजन लोगों ने देखा हुआ है बट uh, रात्रि के यात्री एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट uh, है कॉन्सेप्ट बहुत अलग है एंड uh, लोगों को पसंद आया ये भी बहुत बड़ी बात है साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके का किरदार आपने भा रही है और ये किरदार कितना लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है वेल आई विल से हंगामा प्ले पे बहुत इंटरेस्टिंग uh, uh, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें से एक uh, ये रात्रि के यात्री भी है एंड uh, जिस तरह का मेरा किरदार है इसमें वेरी ब्यूटफुल लुकिंग गर्ल एक ऐसा uh, एक ऐसी सुंदर लड़की जिसे सब पाना चाहते हैं बट शी इज़ वेरी स्मार्ट वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लाइफ जिस तरह से उसके साथ खेल खेलती है वो उतनी ही खूबसूरती से उन सारे चैलेंजेस को अपनाती है सो आई थिंक रूबी इज़ ऑल अबाउट दैट वो एक सुनहरा पत्थर होता है जो सब चाहते हैं लेकिन मिलता किसी को नहीं साथी रश्मि जी कुछ uh, कहानी के बारे में आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके का मैसेज सभी को मिलेगा इसमें इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टोरी जो डायलॉग्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने कहा कि हंगामा प्ले पे जैसे फर्स्ट सीज़न भी आ, बहुत अच्छा गया था सेकेंड सीज़न के जो डायलॉग्स हैं Uh, ये दिस इज़ अ फाइव डिफरेंट दिस इज़ अ फ़ाइव डिफरेंट स्टोरी अबाउट फाइव डिफरेंट गर्ल्स और जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं जिस तरह से हम लोगों को uh, प्रशंसा देते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं उसी तरफ से दूसरा uh, दूसरा प, पहलू ये भी है जिनके बारे में हम जानना ज़रूर चाहते लेकिन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते जिन्हें हम देखते ज़रूर है लेकिन उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन वही लोग जिंदगी को और जो आम दौर आम लोग है जो अपनी नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी जिस तरह से जीते है, दोनों तरफ के पहलू को किस तरह से देखते हैं द स्टोरी इज़ अबाउट दैट साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि इसमें पाथ स्टोरी है तो पाथ स्टोरी टोटली डिफरेंट होगी यस सो बाकी भी कहानी आपने सुनी होगी कि आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये कहानी में भी काम करना चाहिए था uh, नहीं आई थिंक एज एन एक्टर मुझे हमेशा चैलेंजिंग ही अच्छा लगा है जो मेरे लिए मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट है समथिंग दैट आई हैव नॉट डन आई वुड लव टू डू इट चाहे वो पाँच मिनट का हो या पाँच uh, पचास मिनट का हो मीन इट डजेंट मैटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कहानी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस किरदार का उस पूरी कहानी में क्या महत्व है और जिस तरह से वी कुमार जी जो हमारे डायरेक्टर है कम प्रोड्यूसर जिस तरह से उन्होंने मुझे स्टोरी नरेट की थी तो मुझे लगा ही नहीं कोई क्वेश्चन बनता है उन्होंने बहुत सुंदरता से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मुझे एक ऐसा पहलू दिखाया जिसे हमेशा मैं धुंधला देखती थी या तो डार्कनेस में देखती थी इट हैज़ अ ब्यूटिफुल विजन और सिर्फ कहानी ही नहीं जैसे कि मैं वापस आप कहना चाहूँगी इस सारी कहानियों में जो किरदार अपनी बातें कह रहे हैं यानी कि डायलॉग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपके दिल को छू जाएंगे। सबसे बेस्ट कहानी आपको कौन सी लगी पाचों में वेल well, मैं अपनी ही कहानी कहूँगी क्योंकि नॉर्मल नौर, जिंदगी में औरत औरत की दुश्मन होती है लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा साथ ही इसमें आपके बहुत सारे दोस्त भी दिख रहे हैं जी सो so, कैसा ड्यूरिंग आई थिंक आज आप अंडरस्टैंड हमारा एक्सपीरियंस कैसा है वो फन लविंग गर्ल मज़ा आता है मुझे मस्ती करो अभी मोमेंट में रहो लास्टली सभी के लिए क्या मैसेज होगा जो सीजन टू का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आई 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 थिंक विल बी वेटिंग फॉर देयर एंड मैसेज बिकॉज एम मैं कभी भी अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में बिलीव नहीं करती हूँ बहुत मुझे ऐसा लगता है मैंने काम किया मुझे लोगों को बताना है और वो लोगों ने हमेशा सराहा है अपना प्यार दिया है बट इस बार पहली बार कह, कहना चाहूँगी कुछ अलग किया है हमेशा कोशिश करती हूँ आप जरूर हंगामा प्ले पर रात्रि के यात्री सीजन टू देखें हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने अपनी जान लगा दिया अनिल वी कुमार जी ने एंड आई लाइक आई सेट के हर एक डायलॉग आपके दिल को छू जाएगा आप प्लीज़ देखिएगा और अपने अ, अपने कमेंट जरूर बताइएगा और पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा